नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुमित और मेरे चैनल काव्य एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के दिन मैं आपसे वर्स्ट परफॉर्मिंग इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, हमारे देश में सैकड़ों इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स अवेलेबल है निवेश के लिए, लेकिन सारी की सारी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है। पिछले 5 साल की अगर ट्रेलिंग रिटर्न्स की हम लोग अगर बात करें तो 40% इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऐसी हैं जिन्होंने कि अपने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया है। वहीं पिछले 3 साल की अगर बात करें तो 67% इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऐसी हैं जिन्होंने कि अपने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया है। वहीं पिछले 1 साल की अगर बात करें तो 65% म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऐसी हैं जिन्होंने कि अपने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया है। दोस्तों, अगर हम इसको थोड़ा सा और ड्रिल डाउन करें, कैटेगरी वाइज देखें तो लार्ज कैप कैटेगरी में 57% स्कीम्स, मल्टी कैप कैटेगरी में 48% म्यूचुअल फंड स्कीम्स, ईएलएसएस कैटेगरी में 47% इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऐसी हैं जो कि अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाई हैं। सो दोस्तों, इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में निवेश करने से सिर्फ फायदा ही होता है? दोस्तों, ऐसा नहीं है। फायदा तभी होता है जब आप सही स्कीम्स में आप निवेश करें, तभी आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सकता है। सो दोस्तों, आज के दिन ऐसी ही कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स में आपके लिए चूज करके लेकर आया हूं जिन्होंने कि पिछले 1, 3 और 5 साल के टाइम होराइजन में के जो ट्रेलिंग रिटर्न्स है उसमें अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाई है। तो दोस्तों, ये स्कीम्स मैंने आपके लिए चूज करी हैं। तो यदि आप इन स्कीम्स में यदि आप निवेशित हैं तो आप इन स्कीम से तुरंत एग्जिट कर लीजिए और वही पैसा जो है आप किसी दूसरी अच्छी परफॉर्म करने वाली स्कीम्स में आप निवेश कर लीजिए, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। तो दोस्तों, जो पहली स्कीम जिससे कि आपको बाहर निकलना है वो है निपॉन इंडिया टैक्स सेवर फंड। दोस्तों, ये स्कीम काफी पॉपुलर स्कीम है और पास्ट में इस स्कीम ने काफी अच्छे रिटर्न्स भी जनरेट करे हैं इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन अगर पिछले 5 साल की अगर बात करी जाए तो इस स्कीम ने कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म किया है। दोस्तों, इसका जो एयूएम है ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ के ऊपर का है, लेकिन आप इसके पिछले 5 साल के ट्रेलिंग रिटर्न्स देखिए वो है 4.68%, पिछले 3 साल के 5.41% और पिछले 1 साल के 0.14%। दोस्तों, यहां पर ये अपने कैटेगरी जो है कैटेगरी को अंडर परफॉर्म अच्छे खासे परसेंटेज से कर रही है। पिछले 5 साल के टर्म्स में अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 4.5% से अपने कैटेगरी को अंडर परफॉर्म कर रही है। पिछले 3 साल की अगर बात करी जाए तो 6.5% के आसपास से अंडर परफॉर्म कर रही है। वहीं पिछले 1 साल की बात करी जाए तो ऑलमोस्ट 8.5% से अंडर परफॉर्म कर रही है। वहीं अगर इसके रिस्क पैरामीटर्स की अगर बात करी जाए तो इसका अल्फा देखिए -8.5 है। यानी अल्फा क्या होता है कि जो स्कीम के एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है उससे कम या फिर ज्यादा कितने परसेंट उस स्कीम ने रिटर्न जनरेट करें, तो इस स्कीम ने ऑलमोस्ट 8.5% कम रिटर्न जनरेट करे हैं जो इस स्कीम के एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है उससे। सो दोस्तों, इस स्कीम में यदि आप निवेशित हैं तो आप स्कीम से अभी एग्जिट कर लीजिए और किसी दूसरी अच्छी ईएलएस स्कीम में आप निवेश कीजिए, जैसे कि एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, मिराय एसेट टैक्स सेवर फंड को आप कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों, जो दूसरी स्कीम जिससे कि आपको बाहर निकलना है वो है मिड कैप कैटेगरी से। मैंने आपके लिए 2 स्कीम चूज करी है, SBI मैग्नम मिड कैप फंड और आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड। दोस्तों, SBI मैग्नम मिड कैप फंड की अगर बात करी जाए तो इस स्कीम के पिछले 5 साल के ट्रेलिंग रिटर्न्स देखिए वो 6.5% के आसपास के हैं, पिछले 3 साल के 2.3% के। दोनों ही टाइम होराइजन में देखिए ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाई। अपने बेंचमार्क का देखिए तो 9.77% है पिछले 3 साल में। यहाँ पर भी आप एक चीज देखिए कि 7% से पीछे है। पिछले 5 साल की बात करी जाए तो 10.5% बेंचमार्क ने जनरेट करे हैं, ये यहाँ से ऑलमोस्ट 4% के आसपास इसने कम रिटर्न जनरेट करे हैं। पिछले 1 साल में नेगेटिव रिटर्न जनरेट करे हैं। सो दोस्तों, इस स्कीम में यदि आप निवेशित है तो आप अभी बाहर निकल जाइए। दोस्तों, ये स्कीम कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रही है। जो दूसरी स्कीम मैंने मिड कैप कैटेगरी आपके लिए चूज करी है वह आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप स्कीम। दोस्तों, इस स्कीम की अगर बात करी जाए तो पिछले 10 साल के इसके ट्रेलिंग रिटर्न्स देखिए 10.5% के हैं। वो आपको भले अच्छे नजर आते हों, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज देखिए, इसका कैटेगरी का देखिए, कैटेगरी का 13.72% एवरेज है। यानी अपने कैटेगरी को ऑलमोस्ट 3% से ही अंडर परफॉर्म कर रही है। पिछले 5 साल के ट्रेलिंग रिटर्न्स देखिए इसके 6.82% है, लेकिन यहाँ पर भी आप एक चीज देखिए कि अपने कैटेगरी के 8.5% को बीट नहीं कर पा रही है। वहीं अब जो अपना बेंचमार्क है, बेंचमार्क को भी ये 9.38% है, उसको भी बीट नहीं कर पा रही है। सो दोस्तों, इस स्कीम में पिछले 3 साल के ट्रेलिंग रिटर्न्स की बात करें तो 5% है, यहाँ पर भी अपने कैटेगरी और अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रही है। सो दोस्तों, इस स्कीम में यदि आप निवेशित हैं तो आप बाहर निकल जाइए, क्योंकि कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रही है। स्मॉल कैप कैटेगरी से जो स्कीम मैंने आपके लिए चूज करी है वो है ABSL स्मॉल कैप फंड। दोस्तों, इस स्कीम की भी आप रिटर्न्स देखिए, पिछले 1, 3, 5 साल के जो रिटर्न्स है उसमें अपने कैटेगरी को ये अंडर परफॉर्म कर रही है, अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पाई है। अपने कैटेगरी को देखिए तो कैटेगरी को पिछले 5 साल के रिटर्न्स में देखिए तो 6.18% है, कैटेगरी का 7.75% यहाँ पे अंडर परफॉर्म कर रहा है। पिछले 3 साल के रिटर्न्स देखिए तो सिर्फ 1.5% के इसके रिटर्न्स हैं और अपने कैटेगरी के जो इसके रिटर्न्स हैं वो 6.33% का एवरेज है। सो दोस्तों, इस स्कीम में भी यदि आप निवेशित हैं तो इस स्कीम से आप बाहर निकल जाइए। इसी कैटेगरी की, स्मॉल कैप कैटेगरी की दूसरी अच्छी जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स है जैसे कि SBI स्मॉल कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड,
दोस्तों इन स्कीम्स को आप कंसिडर कर सकते हैं, इस स्कीम को आप अवॉइड कीजिए। नया निवेश करने का तो आप सोचिए भी मत, एग्जिस्टिंग अगर निवेश है तो आप उस स्कीम पैसा निकाल लीजिए और किसी दूसरी अच्छी स्कीम में आप निवेश कर लीजिए। जो वैल्यू ओरिएंटेड फंड्स है उसमें जो मैंने आपके लिए स्कीम चूज करी है वो है ICICI पोटेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। दोस्तों पास्ट में इस स्कीम ने बहुत अच्छे रिटर्न्स जनरेट करे हैं, इसका AUM भी बहुत ज्यादा है, लेकिन दोस्तों पिछले 5 साल के ट्रेलिंग रिटर्न्स की बात करी जाए तो 7.25% के इसके रिटर्न है। अपने कैटेगरी को ये ऑलमोस्ट 1% से बीट नहीं कर पाई है, यानी यहाँ पर 8.58% कैटेगरी का है और जो उसका बेंचमार्क है उसका 9.62% है। पिछले 3 साल की बात करें तो 7.16% है और जो कैटेगरी का है 10.08 और जो उसका बेंचमार्क है उसके ऑलमोस्ट 14.25% के आसपास के रिटर्न्स हैं। दोस्तों एज ए डिस्क्लोजर, इस स्कीम में मैंने भी निवेश किया 3 साल तक, लेकिन पिछले साल अगस्त में जो है इस स्कीम में मैंने निवेश करना स्टॉप कर दिया क्योंकि ये कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रही थी, इसलिए मैंने स्कीम में निवेश करना बंद कर दिया और दूसरी स्कीम में मैंने निवेश करना स्टार्ट कर दिया था। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से जो मैंने आपके लिए स्कीम चूज करी है वो HDFC ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड। दोस्तों इस स्कीम को अगर आप देखेंगे तो पिछले 1, 3, 5 और 10 साल के आप इसके रिटर्न्स देखिए तो पिछले 10 साल के इसके ट्रेलिंग रिटर्न्स 7.6% के हैं। तो दोस्तों जब भी आप किसी स्कीम में निवेश करते हैं तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन रहती है वो मिनिमम 10% की रहती है। दोस्तों इस स्कीम के रिटर्न्स देखिए 7.64%, यानी यहाँ पर ये अपने कैटेगरी को जो है ऑलमोस्ट 4% से अंडर परफॉर्म कर रही है, वहीं अपना जो बेंचमार्क है बेंचमार्क को भी 3.5% से अंडर परफॉर्म कर रही है। दोस्तों पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करी जाए तो सिर्फ 0.6% है, यहाँ पर भी अपनी कैटेगरी और बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाई है। पिछले 3 साल की बात करी जाए तो आपको 10% रिटर्न अच्छा दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर भी अपनी कैटेगरी और बेंचमार्क को ये बीट नहीं कर पा रही है। दोस्तों लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की बात करी जाए तो वहीं मिराय एसेट इमर्जिंग इक्विटी ब्लू चिप फंड है, कैनरा रोबैको इमर्जिंग इक्विटी फंड है। दोस्तों इन स्कीम्स ने काफी अच्छा परफॉर्म करा है, वहीं इस स्कीम ने कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रही है। दोस्तों ये सारी स्कीम्स जो मैंने आपके लिए आज बताई है, यदि आप इन स्कीम्स में आप कोई भी नया निवेश करने का बिल्कुल भी ना सोचें, यदि आप इन स्कीम में आपने यदि पैसा निवेश करा है तो आप इस स्कीम से अभी जो है एग्जिट करने का सोचें और वही पैसा जो है सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के थ्रू जो है किसी दूसरी अच्छी परफॉर्म करने वाली स्कीम्स में आप निवेश कीजिए जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। दोस्तों होप ही आपको सारी जानकारी जो है वो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें जिससे कि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आपकी कुछ कमेंट क्यूरीज हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं kavya.academy17@gmail.com पर, मैं आपकी वो क्यूरी जो है जल्द से जल्द जो है उसको आंसर करने का कोशिश करूंगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।